हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, आज का वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको पता है 10,000 समथिंग आपकी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि वैकेंसी 10,000 तक आएंगी। तो आज का वीडियो जो है सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ही है कि वो कैसे तैयारी करेंगे। तो इसकी चर्चा तो मैंने आप लोगों से कर ली थी कि इसके दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है और सेकंड पेपर जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 जो कि जीके का है, वो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए कंप्लीट कराया जाएगा। जिन बच्चों ने रीट का कोर्स हमसे लिया था मात्र 499 रुपए में, उनको पता है कि एसएसटी का कोर्स जब हमने दिया था तो हमने केवल वही चीज करवाई थी जो आपके एग्जाम में आने वाली थी और आई भी, जिसकी अनाउंसमेंट भी मैंने आप लोगों को कर दी थी कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बच्चों ने कहा था कि मैम हमें 11th और 12th की पढ़नी है बुक, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई थी। उसका रीजन क्या था कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बिल्कुल भी 10th के बाहर नहीं आया। पूरे 60 में से आपके 56 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज से ही आया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी फालतू नहीं करवाया था, क्योंकि बड़ी कोचिंग वाले इतना ज्यादा आप लोगों को करवा देते हैं, मुझे भी पता है, मैंने भी एक टाइम में की थी, तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। केवल उतना ही हमें पढ़ना चाहिए जितना कि हमें एग्जाम क्लियर कर पाए, क्योंकि हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमें केवल क्या करना है, एग्जाम को फाइट करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। तो यही हम बात करेंगे अब सेकंड ग्रेड की। तो सेकंड ग्रेड में जो आपके पद बहुत ज्यादा हैं और इसकी तैयारी जो है नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए यदि आप तैयारी पहले से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और आप इन 10,000 में से एक पद खुद के लिए सुरक्षित कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ टाइम बाद तैयारी शुरू करें, फिर हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जीके का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अब देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स, जो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। इसके अलावा आरबीएससी की 6 से 10 तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि बहुत अहम रोल रखती है, और संपूर्ण आरबीएससी की जो अभी न्यू चल रही है आपकी स्कूल में, राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके की बात करें तो केवल और केवल राजस्थान का जीके आपका आएगा 80 मार्क्स का। इन 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स तो आपका राजस्थान का जीके ही पूछा जाएगा। और इसके बाद जो बड़ा रोल है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो कि आएगा आपका 40 नंबर का, ठीक है। तो 80 राजस्थान का जीके, एजुकेशनल साइकोलॉजी 40 नंबर की, यानी 100 नंबर का, तो आपका ये दोनों ही हो जाते हैं। फिर जीके आपका विश्व का और भारत का, ये सर के द्वारा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के 2 महीने पहले आपको करंट अफेयर स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट में ना रहिएगा कि करंट अफेयर जो है वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगा। उतना ही आपको करना पड़ेगा जो कि हम लोग आपको करवाएंगे, इसके अलावा आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बहुत सारा कोर्स बता दूं, बहुत सारी बुक्स बता दूं, तो आप परेशान हो जाएंगे कौन सी बुक हमें खरीदनी है। लेकिन मानिए, स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को ये चीज बोलती आ रही हूं, चाहे वो बच्चा हमारा कोर्स ले या ना ले, कि आपको जो स्कूल्स में बुक चलती हैं उनको ही फॉलो करना है। रीट की तैयारी करेंगे तो आप 10th तक की बुक्स को फॉलो करें। यदि आप उससे ऊंचे लेवल की तैयारी करते हैं तो आप 12th तक की बुक करें, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़नी पड़ेगी। यहाँ सेकंड ग्रेड की बात करें तो जो टॉपिक आपको यहाँ करवाए जाएंगे, जो भी आपको मेरे द्वारा करवाया जाएगा, इसके अलावा आपको नहीं करनी है।
आपको बहुत सारी बुक्स लोगों ने बताई होंगी कि आप केवल राजस्थान का जीके के लिए ये वाली बुक खरीद लें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप दो तीन ये बुक खरीद लें, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इंडिया हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए आप ये वाली बुक खरीद लें। कहाँ तक आप बुक खरीदेंगे, क्योंकि इन बुक्स में ही आप फंसकर रह जाओगे। कितनी सारी बुकें होती हैं, कौन कौन सी बुक को चूज करोगे, तो इतना सारा लास्ट टाइम में रिवीजन करना भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बिल्कुल सटीक तैयारी करेंगे और इस तरीके से चलेंगे कि एग्जाम होने से पहले आपका ये चीज कंप्लीट हो जाए। यहां मैं केवल और केवल आपके फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट पेपर का कंप्लीट हो जाता है तो एसएसटी के बच्चों के लिए सेकंड पेपर के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन अभी मैं केवल फर्स्ट पेपर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट में ना रहिएगा, क्योंकि आप लोग भी ऐसा तो नहीं करेंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक साथ ही सारा कुछ पढ़ लेंगे। एग्जाम में आपके टाइम है, नोटिफिकेशन भी अभी आया नहीं है, बिल्कुल आराम से चलेंगे। यूट्यूब पर बुक्स आपकी पढ़ाई जा रही हैं, सिक्स क्लास की राजस्थान का जीके मैंने कंप्लीट करवा दी है, सेवेंथ क्लास जो है वो अभी चल रही है। तो देखिए, इतना सारा करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ये आप भी जानते हो। अब बात करें कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, एक तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये कोर्स कितने में मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने ये जो फीस रखी है ये आप लोगों को ध्यान में रख के रखी है, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोगों के पास रोजगार नहीं है। फिर भी कई बच्चे अभी ये बोलेंगे कि मैम इतने रुपए जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। मैं भी मानती हूँ, लेकिन एक बात सोचिए कि ये कोर्स जो है वो आपको दिवाली के बाद 5100 रुपए में मिलेगा, ठीक है। और अभी दिवाली के ऑफर पर, क्योंकि दिवाली पर सभी की ये रहती है ख्वाहिश कि हमें भी किसी तरीके का ऑफर मिले, तो इसीलिए कोर्स में भी ये लाया गया है कि मात्र 5100 को क्रॉस करके और 1399 रुपए में आपको जीके का पहला पेपर जो कि 200 अंक का है, जो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो। तो जिनको विश्वास है वो लोग लीजिएगा इसे। अगर आप नहीं भी लेते हैं तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि 12th तक की आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको पढ़िएगा, ठीक है, खुद के नोट्स बनाइएगा और फिर तैयारी करिएगा। लेकिन इतना ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं होता है कि पहले नोट्स बनाए जाएं और बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा किया जाए। मेरे द्वारा जो लिखित नोट्स होंगे उसमें आपको 11th और 12th की बुक्स को नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी ऑथेंटिक बुक होती हैं उनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनके बाद आपको फर्स्ट पेपर का एक भी बुक लाने की जरूरत नहीं है जो यहाँ करवाया जाएगा। तो इतना आप विश्वास रखिए। जिन बच्चों को विश्वास है, जिन्होंने हमारा कोर्स पहले लिया था, तो वो तो ये जानते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप अगर किसी भी कोचिंग का देखिएगा, वहां आपको फीस जो है वो आपको बहुत मिलेगी। आपको मिलेगी 7000 रुपये आपके फर्स्ट पेपर की, ठीक है। अगर ऑफलाइन करेंगे तो आप 15 से 20 हजार जो है इसका अमाउंट है, लेकिन ऑनलाइन में आपको क्या फायदा मिलेगा। एक तो आपको हमारी तरफ से बहुत कम ही पैसे देकर और कोर्स जो है अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप लोगों की इच्छा पर है, जितने भी बच्चे हैं वो इस कोर्स को, मैं तो कहूंगी कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम रुपए में आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिलने वाला है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप लोग लें इसको, ये आपकी इच्छा पर है। और भी कोचिंग में आप पता कर लीजिएगा, जहां आपको सुविधा हो, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप करिएगा। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो चीज आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले भी आपको कहा था और अब भी कह रही हूँ, फालतू कराना ये मेरा काम नहीं है। मैं बस उतना ही करवाती हूँ जो कि आपके एग्जाम में आएगा,
ठीक है, रीट में ही मैंने इतना करवाया आप लोगों को कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम 11th 12th की करवाओ, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। सभी क्वेश्चन आपके 60 में से 56 क्वेश्चन आपके बुक्स में से ही आए, जो कि मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो आप लोगों को करवाई थी, जिनमें कई बच्चों को तो बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़कर ही गए थे। ठीक है, तो चलिए मेरा बस यही बोलना था आप लोगों से, दिवाली ऑफर है तो इसका आप लाभ उठाइए। 5100 रुपए के बदले आपको 1399 में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिलता है इतना अच्छा कोर्स ऑथेंटिक बुक से बना हुआ, तो प्लीज आप वहां पर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कोर्स जो है वो आप किस तरीके से ले पाओगे। सभी को हैप्पी दिवाली, और दिवाली जो है वो बहुत धूमधाम से मनाइएगा, क्योंकि अभी टेंशन नहीं लेनी है एग्जाम की, क्योंकि नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जैसे ही दीपावली आपकी हो जाती है, आराम से आप लोग मना लेते हैं, और भी एक दो त्योहार हैं उनको भी आप कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।